हाय फ्रेंड, अब जो है ये पे देख रहे हो कि कॉम्पैक्ट का 43 इंच एलईडी टीवी है। अनबॉक्सिंग हो रहा है और इसमें जो है 4K का टीवी है। 100 भी है इसमें, डॉल्बी साउंड है, तो सब चेक करेंगे और ठीक है। तो ये है अनबॉक्सिंग, जो पैकिंग होता है पूरा क्लिप होता है, क्लिप से पूरा पंचिंग होता है इसमें, जो ज़्यादातर ये अगर कुरियर में डैमेज नहीं होगा इसलिए कंपनी जो ऐसे पंचिंग करता है फुल टाइट, ठीक है। और कॉम्पैक्ट का जो टीवी है ये न्यू लॉन्च किया है अभी, तो देखेंगे कैसा क्वालिटी का ये टीवी है, ठीक है। इसमें जो है गूगल असिस्टेंट का जो फीचर्स होता है इसमें इनबिल्ट है, तो सब कुछ देखेंगे। ये जो है ये नीचे का स्टैंड है और एलईडी टीवी को अब ओपन करूँगा। और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि टीवी को कैसे वॉल में फिट करता है और 4K क्वालिटी का कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। 43 इंच तो बहुत बड़ा ही होगा। तो देखेंगे कि कई कई बार होता है कि टीवी में डिस्प्ले ब्रेकेज होता है, टूटा होता है बॉडी, तो वो भी चेक करेंगे कि बॉडी डैमेज तो नहीं है। तो कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे टीवी को वॉल में सेट करते हैं और टीवी जो है वो जो व्हाइट का है जो सीरियल नंबर है, बार कोड है, तो नॉर्मल तो टूटा वगैरह जो नहीं है, नहीं भी दिख रहा है, गौर से देखेंगे कोई भी पता नहीं। इस ये जो है टीवी पूरा फ्रेमलेस है, इसमें फ्रेम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ब्लैक कलर का है टी वी, टी वी को वॉल में फिट करने के लिए यहाँ पे वॉल स्टैंड होता है, ठीक है। तो वॉल स्टैंड जो है उसको हम टीवी में फिट करेंगे। अभी आप देख सकेंगे कि टीवी का वॉल स्टैंड होता है, तो कैसे टीवी को फिट करते हैं वो भी देखेंगे। आप तो करूँगा, ये है वॉल स्टैंड जो टीवी को फिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 4 स्क्रू लगा है, उसको हम रिमूव करेंगे, पूरा रिमूव करके कि लोहा का जो लॉक लगा है उसको हम लगाएंगे, ठीक है। वही पर फिर सब प्रोसेस जो है जो कम पर सस्ता ही कर दीजिए, तो अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू लगाया स्टैंड के लिए, तो जो काम है सावधानी से करना पड़ेगा, हर बड़ी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। एक भी पेन में कुछ प्रॉब्लम आया तो डिस्प्ले का दिक्कत हो सकता है, सावधानी से करें। अब जो वॉल है यहाँ पे 3 पीस है स्क्रू, और उसको वॉल में इनपुट करना पड़ेगा और नहीं तो दिक्कत आ जाएगा।
ठीक है, देखेंगे कि वाल को ड्रिल मशीन से कैसे असेंबलिंग करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में होगा। आप पूरा वीडियो वॉचिंग करते रहिए और इन्जॉय करें, ठीक है। आप खुद भी कोई भी टीवी असेंबलिंग कर सकते हो अपने वॉल पे या स्टैंड पर। यहाँ पे देखिए वॉल को कैसे कटिंग करते हैं ड्रिल मशीन से। तो ड्रिल से यहाँ पे जो है आप सही से माप लेना पड़ता है, क्योंकि अगर गड़बड़ी हो जाएगा टीवी भी जो जब झुलाएंगे लगाएंगे तब दिक्कत हो सकता है, मतलब टेढ़ा वेढ़ा हो सकता है। यह से माप जोप करके टीवी को स्टैंड पे लगाना चाहिए। तो यह पे देखिए मशीन जो है ड्रिल मशीन लगा दिया, ठीक है। और ड्रिल मशीन लगा के पूरा कर रहा हूँ, तो तार कोर जो है बहुत साउंड पाल साउंड की तरह पास कर दिया है। ड्रिल मशीन का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए साउंड को मैं थोड़ा पास कर दिया हूँ इसमें। तो वॉल पे थ्री स्क्रू लगाएंगे बॉडी पर, देखिए यहाँ पे थ्री स्क्रू लगा दिया। अब इसको पूरा टाइट देंगे पूरा स्क्रू ड्राइवर से, ये तो पूरा टाइट हो गया है। ये दो नंबर स्क्रू को टाइट देंगे, टाइट जो होता है स्क्रू ड्राइवर का फुल टाइट दे देना, क्योंकि 43 इंच का टीवी होगा तो ज़्यादा वजन तो होगा, इसका फुल टाइट दे देंगे नहीं तो दिक्कत हो सकता है। पहले तो देखिए टीवी तो लगा दिया पूरा वॉल पर, ठीक है, तो बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा एक टेढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा देखेंगे और सही से लॉक से लॉक लगा कि नहीं लगा, ठीक है। थोड़ा लूज था, ठीक है, अब ठीक हो गया है। देखिए टीवी का लाइन दे दिया है और कैसा पिक्चर क्वालिटी है भी देखेंगे टीवी का। 4K टीवी का जो है प्रॉब्लम बढ़िया क्वालिटी का है, एंड्रॉइड के लिए स्टिकर अभी तक लगा है। HDR10 तक ब्लूटूथ कनेक्शन दिए रिमोट को बोल रहा है कि कनेक्शन हेलो स्किप करें 10x9x11 मैंने तुमको तो 11 था। होम बटन टाइम पे माइक एंड बटन ना থাকলে अपडेट अपडेट ना अपडेट हो जाए तो मैंने तुमको अपडेट है ना वाईफाई था एक बार कनेक्शन थोड़ा टाइम लगता है मैं टाइम थोड़ा रेडी होने में।
यहाँ पे इंग्लिश करना है और यहाँ पे स्किप कर देंगे। यहाँ पे वाइस कनेक्शन बोल रहा हूँ नहीं चाहिए, ऑन कर देते हैं, चल देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ जैसा लोगों को लिए अच्छे घूमे ओपन में फोन को खरीदने पे जो जो करते हैं वही इसमें करते हैं। ना जियो चिंता का विषय नहीं, दुकान चलते भी ना देखिए यूट्यूब वगैरह रहने नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डॉल्बी ऑडियो यूट्यूब सब कुछ है और इसको जो चेक करेंगे हमारे सेटअप बॉक्स से जुड़ के तो उसको लिए हमको HDMI 1 पे जाना पड़ेगा। तो क्लिक किया देखिए यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के आ रहा है डिस्प्ले का HD सेटअप बॉक्स लगी दिले बॉक्स लगा ले चैनल पे HD नहीं तो HD लगा रहा है यूट्यूब में चालू और स्टिकर को जो है सीएम को रिमूव कर देंगे पिन डेप्थ को इसमें दिक्कत आ रहा है पिन डेप्थ में सीन ऑटो में आ रहा है अभी देख पा रहे हो टीवी जो है पूरा क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है 100% अनबॉक्सिंग हुआ और ये भी टीवी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ठीक है ओके थैंक यू मेरा जो यूट्यूब है वो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, गुड बाय।